Assalamu alaikum, here is Mani from e-learning point. So today's my video is about first year commerce subject, principle of commerce, chapter 4, partnership, lecture 3. So let's start. So today's my lecture is about disadvantages of partnership. Number 1, unlimited liability. This is a serious disadvantage in which the personal property of the partners is very much at stake if the business assets are not enough in the full settlement of the debts. Number 1 पर हमारे पास है लामहदूद जिम्मेदारी. ये एक संगीन नुकसान है जिसमें शराकतदारों की जाती जायदाद बहुत दाव पर लग जाती है. अगर कारोबारी असासे कर्जों के मौसम खजा के तस्वीर में काफ़ी ना हो, लेकिन कंपनी में शेयर होल्डर्स की जाती जायदाद को कारोबारी कर्जों की अदायगी में इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारियां महदूद होती हैं. लेकिन ये पार्टनरशिप का एक डिसएडवांटेज है कि इसमें जो चूँकि लामहदूद जिम्मेदारियाँ होती हैं तो जो पार्टनर्स की जो अपनी जाती प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी रिस्क पर होती है, क्योंकि जब उनको कर्जे अदा करने पड़ते और उनकी कारोबारी जो असासे होते हैं वो कम पड़ जाते हैं तो वो अपनी जाती जायदादों को इस्तेमाल करते हैं, जबकि शेयर होल्डर्स की कंपनीज में ऐसा नहीं होता, उनकी जाती जायदाद को इस्तेमाल नहीं किया जाता. नंबर 2, डिवाइडेड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज डिवाइडेड अमंग वेरियस पार्टनर्स ऑइंग टू विच मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड. डिवाइडेड कंट्रोल्स कॉजेज डिलेड डिसीजंस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफिकल्ट टू फिक्स, अकाउंटिंग इज वीक. नंबर 2 पर हमारा डिसएडवांटेज है तकसीम शुदा कंट्रोल और इंतज़ाम. इंतज़ाम और कंट्रोल को मुख्तलिफ शराकत दारों में तकसीम किया जाता है जिसकी वजह से बहुत से इंतज़ामी मसाइल पैदा होते हैं. मुनकसिम कंट्रोल यानि कि जो डिवाइडेड कंट्रोल है फैसलों में ताखीर का सबब बनता है. फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को तय करने मुश्किल होता है. एहतसाब कमज़ोर होते हैं. बाहमी मशावरत से गुरेज किया जाता है जिसके नतीजे में शराकत दारों के दरमियान दिल जलता है, यानी कि उनके बीच में डिसएग्रीमेंट पैदा हो जाती है. वो आपस में इख्तलाफ करना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी रिस्क पर होती है और वो पास का ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि कंट्रोल्स जो होते हैं वो काफ़ी पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स के साथ स्टार्ट की जाती है तो इसलिए फिर डिवाइडेड कंट्रोल आ जाता है उसमें. नंबर 3 पर हमारे पास लेक ऑफ कंटिन्यूटी. पार्टनरशिप लेक्स इन कंटिन्यूटी. इट हैज़ अ लिमिटेड लाइफ. इट कम्स टू एन एंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन सम ऑफ विच आर कॉमन. नंबर 1, डेथ ऑफ अ पार्टनर. नंबर 2, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. नंबर 4, बैंक्रप्सी ऑफ अ पार्टनर. नंबर 5, व्हेन द पार्टनर इज कन्विक्टेड फॉर मर्डर ऑफेंस. नंबर 6, इनसैनिटी. सो नंबर 3 पर हमारे पास आ जाएगा तसलसल की कमी. शराकत दारी का फिकदान है तसलसल में. इसकी ज़िंदगी महदूद होती है, मंदरजा झेल हालात में ख़त्म हो जाती है जिनमें से कुछ आम है. नंबर 1 पर हमारे पास है साथी की मौत यानि कि पार्टनर की डेथ. नंबर 2 पर हमारे पास है पार्टनर का दाखला. नंबर 3 पर हमारे पास है पार्टनर की रिटायरमेंट. नंबर 4 पर हमारे पास है पार्टनर का दिवालियापन. नंबर 5 पर हमारे पास है जब साथी को इखलाकी जुर्म की सजा दी जाती है. नंबर 6 पर हमारे पास है जनून. सो ये आम हालात हैं जिनकी बिना पर पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है. नंबर 4, लेक ऑफ ट्रांसफरएबिलिटी. पार्टनरशिप हैज़ अ फ्रोजन इन्वेस्टमेंट. वट एवर वंस इन्वेस्टेड इन द बिजनेस कैन नॉट बी विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स. इफ़ अ पार्टनर विदड्रॉज हिज शेयर द पार्टनरशिप विल स्टैंड डिसॉल्व. नंबर 4 पर हमारे पास है मुंतकिली की सलाहियत की कमी. शराकत दारी में एक मुश्तमिल सरमायाकारी है, यानी कि जो पार्टनरशिप है वो एक मुश्तमिल सरमायाकारी वाला बिजनेस है. जो कुछ भी एक बार कारोबार में लगाया गया है उसे शराकत दार वापस नहीं ले सकते. अगर कोई पार्टनर अपना हिस्सा वापस ले लेता है तो शराकत तहलील हो जाएगी, यानी कि पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है. कंपनी के वजूद को बुरी तरह मुतासर किए बगैर हिस्स की मुंतकली की जा सकती है. यानी जो अगर हम बात करें कंपनीज की तो उसमें जो है वो शेयर होल्डर्स अपने
हिस्से जो होते हैं वो आराम से मुंतकिल करवा सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। अगर कोई पार्टनर ऐसा करता है कि अपना हिस्सा वो जो उसने इन्वेस्ट किया है वो वापस लेना चाहे, तो इस सिनेरियो में जो पार्टनरशिप होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। सो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि पार्टनरशिप में जो है वो लैक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी है। नंबर 5, डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। द ग्रेटर द नंबर ऑफ द पार्टनर्स द हायर आर द चांसेस ऑफ डिसएग्रीमेंट अमंग देम। द पार्टनरशिप बिजनेस इज एट लॉस फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। नंबर 5 पर हमारे पास है शराकत दारों के दरमियान इख्तलाफ। शराकत दारों की तादाद जितनी ज़्यादा होगी उनके दरमियान इख्तलाफ के इम्कान भी उतने ही ज़्यादा होंगे। शराकत दारी का कारोबार से खसारे में है, शराकत दारी के दरमियान इख्तलाफ का इम्कान होता है, यानी कि जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी रिस्क पर होता है क्योंकि उसमें पार्टनर्स के जो है इख्तलाफ के बहुत सारे इम्कान होते हैं, और ये इसका मेजर एक डिसएडवांटेज है। फिर ये कि वोटिंग के ज़रिए इस मसले को हल किया जाता है, वरना अगर इख्तलाफात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो फिर पार्टनरशिप जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हर पार्टनर के अपने अपने आर्ग्यू होते हैं और अपने अपने वो राय पेश करते हैं, तो इस वजह से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।